हेलो दोस्तों, वेलकम टू केक स्टूडियो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। और मैं आपको आज वनीला स्पंज बनाना सिखाऊंगा और ड्राई केक। इसकी रेसिपी सेम होती है, तो 500 ग्राम मैंने वनीला प्रीमिक्स लिया है। ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लाइक पिल्सबरी, नोवाटेक, चिराग और कोई भी कंपनी जो भी मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो। तो 500 ग्राम में हम 200 ग्राम वाटर मिलाएंगे और 75 ml हम इसमें ऑयल मिलाएंगे। तो पानी मिलाने के बाद में हम इसको थोड़ा सा 5 मिनट के लिए स्पीड में मिक्स करेंगे। इसे मिक्स हो जाने देते हैं। आपको आपके पास में जैसी मशीन हो, छोटी मशीन, मैंने आपको ये छोटी मशीन में मिक्स ग्राइंड करके दिखाया है। ये देखिए, आइए देखते हैं ये इसकी अब कैसी कंडीशन हो गई है। ये देखिए, परफेक्ट मिक्स हो चुका है ये। अब इसमें हम 75 ml इसमें हम ऑयल डालेंगे। 1 किलो में 150 ग्राम ऑयल डलता है। तो ऑयल ये आपका कोई भी रिफाइंड ऑयल ही लीजिएगा, बिना फ्लेवर लेस, जिसमें कोई फ्लेवर ना हो, अदरवाइज उसमें फ्लेवर चला जाएगा। 1 मिनट के लिए इसको स्लो स्पीड पे मिक्स करेंगे। उसके बाद मैंने एक मोल्ड लिया है। मोल्ड में नीचे मैंने थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लिया है और बटर पेपर लगा दिया ताकि वो चिपके ना। और जनरली बेकरीज में 300 ग्राम का हम रखते हैं, बट ये ड्राई केक था तो इसलिए मैंने इसको 350 ग्राम का मैंने इसमें रखा है। आप ऊपर से इसमें कुछ भी चेरीज, ड्राई फ्रूट्स, काजू, नट्स वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने इसमें डाला है। ये देखिए, मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। और इसको मैं आपको बताऊं किस टेम्परेचर पे आपको ये पकाना है। ये आपको अराउंड 30 मिनट्स के लिए ये ओवन में जाएगा 180 टेम्परेचर पे। ऊपर और नीचे दोनों का टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। हाँ, ये देखते हैं हमारा ये कैसा पक रहा है। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन हो चुका है ये।